एनिमल्स का। एक अच्छा इंसान ना ऐसा काम नहीं करेगा, किसी बेजुबान को तकलीफ नहीं देगा। ये वो दरिंदे जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि हमारे अभी तक कानून ऐसा नहीं बना है जो ऐसा करने के बाद उनको कड़ी सजा मिले, ऐसा कानून बना नहीं। इसके लिए दरिंदे ऐसा काम करते हैं, वो बेजुबान है ना, उनको क्या समझते हैं। मगर है ऐसे लोग, कानून निकलेगा। अभी आज जो ये काम कर रहे हैं ना ये एनजीओ, तो मैं बोलता हूँ कि ये सारे जितने भी एनजीओ है इनको सपोर्ट करें और आगे आए और कुछ ना कुछ ऐसा कानून बने जिसकी वजह से ऐसा काम करने वाले को उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाव ये जो अजय कौल सर ने जो इनिशिएटिव लिया, ह्यूमन वेलफेयर ने एसएएस ने जो इनिशिएटिव लिया, आपको लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव सबको मिलके लेना चाहिए जिससे कि लॉ बने और देखो शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी है ना, तो शुरुआत अभी इन लोग ने कर दिया है। तो जितने भी एनिमल लवर है वो चाहते थे कि कोई ना कोई ये चीज़ की शुरुआत करे। अगर शुरुआत आप करोगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर शुरुआत ही कोई नहीं करता तो कैसे सपोर्ट करते हैं। अभी देखो इन्होंने शुरुआत की है, मेरे जैसा इंसान, छोटा इंसान मैं भी जुड़ गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हाँ ऐसे लोगों के ऊपर जो ये एनिमल्स को मारते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा लगा, इसके लिए मैं आया हूँ ना, सपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरा पूरा सपोर्ट है ऐसे लोगों के लिए, और कड़ी से कड़ी कानून इनके ऊपर बनना चाहिए। भाऊ तुम्ही या अगोदर म्हणजे वेगवेगळ्या विषयावर व्हिडिओ बनवता, तर ॲनिमल क्रुएल्टीवर कधी व्हिडिओ टाकता? बनवलेला ना मी ह्याच्या पहिला, पण ऐका ह्याच्या पहिला पण मी जेव्हा एका माझ्याकडे एक व्हिडिओ पाठवलेला एका मुलीने, लहान मुलीने, की भाऊ एका कुत्र्याला जाळलाय कोणीतरी, त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवला। आणि तेव्हा पण मी बोललेलो की ह्याच्यावर काय ना काहीतरी कानून असा कडक बनला पाहिजे ज्याच्यामुळे सजा भेटली पाहिजे, असा कायदा बनला पाहिजे। पण काय छोट्या माणसाने बोललेलं थोडी कोण ऐकणार, याच्यासाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे तर हे बनणार ना कानून, फक्त एकट्याने बोलून चालत नाही ना। असं आहे भाऊ, अजय कौलने और एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों की फीस जो है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज एक एक स्कूल है जिसने 3,000 बच्चों का अगर फीस माफ़ कर दिया है, आप सोचो 3,000 बच्चों का फीस माफ़ करना, यानी 1,80,000 नहीं 1,80,000 एक महीने का फीस है, वो स्कूल माफ़ कर सकता है 3 महीना। तो और कितने सारे ऐसे स्कूल है, उन्होंने भी अगर ऐसा किया तो आज देखो ये कोविड के टाइम में कितने लोगों की नौकरी चली गई, घर में खाने के वादे, घर में अनाज नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो कम से कम ये सारे हिंदुस्तान के स्कूल वालों ने सोचना चाहिए और ये मदद करनी चाहिए। जो इन्होंने कदम उठाया वो उन लोग ने भी उठाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।